तो मैं यहाँ सुबह सुबह उठ गई हूँ और फटाफट मैं खाना बना ले रही हूँ और खिड़की से बहुत ही अच्छा हवा भी आ रहा है। तो इधर मैं खाना बना के और मुझे भी और कहीं और जाना है तो खाना बना के मैं तैयार हो जाऊँगी। तो मम्मी पापा आ रहे हैं तो वहाँ मैं जाने वाली हूँ। तो इधर मैं तैयार हो चुकी हूँ और इधर मैं पहुँच गई हूँ, लेकिन मैं और कहीं बैठी हूँ। मम्मी पापा आने में थोड़ा सा लेट है। मैं यही बैठ के इंतज़ार कर रही थी, डॉक्टर का दुकान है इस जगह पर बैठ कर, मैंने हॉस्पिटल है तो जान पहचान ही मैं बैठ गई थी। फिर अंदर बहुत ही ज़्यादा धूप लग रहा था तो मैं अंदर भी चली गई थी। इधर में जो छोटा बेटा है इधर उधर बदमाशी कर रहा था, कभी कपड़ा का दुकान पर तो कभी इधर तो कभी उधर। तो इसका मैं रोड था, गाड़ी भी आ रहा था, इस पर ध्यान भी रखना था। तो फिर इसको लेकर मैं अंदर चली गई थी क्योंकि भाग भाग जा रहा था। यहाँ कपड़ा का दुकान पर आकर बदमाशी करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो दुकानदार है इसका सब खेल रहा था, ये भी खड़ा होकर मज़े से जीभ निकाल के उसको दिखाने लगा था। तो इधर जो मम्मी पापा आ गए थे और डॉक्टर भी दिखाना था, तो इधर भाभी को डॉक्टर खून टेस्ट हुआ और जो टेस्ट जो होना था वो सब हुआ। थोड़ा बड़ा इधर जो है बच्चा भी इधर खेल रहा था, इधर दिखाना बना हो गया, सब कुछ मैं छोड़ दी हूँ। रिपोर्ट वोट जो बाद में ले लेंगे इधर। फिर मैं घर जा रही हूँ क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका था, थके हुए हैं, गाड़ी आए हैं। तो इधर देखिए बच्चे लोग भी खेलना स्टार्ट कर दिया और घर में भी चहल पहल साफ एकदम शोर शराबा हो रहा है अभी। तो इधर मैं शादी का भी तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि इधर टाइम भी हो चुका है और इधर तैयारी भी करना बाकी है। तो इधर मैं सारा कुछ कपड़ा तैयार लेती हूँ बैग में, बच्चा लोगों को और मेरा और सभी का मैंने एक ही बैग में रख लेती हूँ क्योंकि एक ही जगह रहने पर कपड़ा निकालने में बनेगा। इधर मैं सारा कपड़ा जो है मैं तय कर ले रही हूँ और इधर अभी खाना बनाना बाकी है और जो है इधर जितना काम है हम ही को करना है क्योंकि भाभी को जो है तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो इधर जो अभी सिर्फ एक घंटा में हमें मुझे ब्लाउज भी सिलना है तो मैं एक ही ब्लाउज सिल पाई, बाद में सब ब्लाउज में छोड़ दी हूँ क्योंकि शादी जो हो जाएगा उसका बाद में आऊँगी तो ब्लाउज सब जो जितना है कट करूँगी या सिलूँगी उसको। तो इधर मैं चाय भी बना दी हूँ और सबको, मम्मी पापा आए तो सबको मिलना है तो उसके लिए भी चाय बनाना है तो चाय में बना दी हूँ। और जो एक बार में सब छोटा छोटा जो कप है सब में डाल के सबको दे देती हूँ। इधर फिर बहुत ही ज़्यादा किचन में इतना गर्मी है, इतना गर्मी है सब देख सक रहे। हम लेके आ रहे तो बहुत ही बस पूरा बुरा हाल हो चुका है मेरा। इधर मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखिए जो है तो जो ब्लड का कमी है तो वही दवा जो चल रहा है। इधर बच्चा लोग के लिए मैं मैगी भी बना देती हूँ क्योंकि बच्चा लोग भूख लगा है बोल के, तो इसलिए मैं चार मैगी बना दे रही हूँ। तो एकदम सिंपल तरीके से मैगी, बच्चा लोग तीखा नहीं खाना पसंद करते हैं तो इसलिए मैगी का मसाला जो चार पैकेट में से सिर्फ दो पैकेट में डाल दी हूँ हल्दी नमक, और इधर मैं बना के मैं दे दी हूँ बच्चा लोगों को। ये लोग बदमाशी भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं बहुत ही गर्म है। और इधर मैं खाना बनाने की भी तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि शाम हो चुका है। तो इधर मैं साग भी थोड़ा सा मैं इसको देख लेती हूँ और सोच रही हूँ आज साग ही बनाने का और भिंडी का भाजी क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है क्योंकि कल जाना है नहीं तो सब नुकसान हो जाएगा इसीलिए। तो इधर लाल कलर का साग है तो खाने में अच्छा लगता है चावल के साथ, मुझे रोटी के साथ अच्छा नहीं लगता, चावल के साथ ही बहुत ही अच्छा लगता है साग। तो इधर मैं साग बैठा दी थी, मेरी दीदी देख रही थी इधर, तो इधर थोड़ा सा दीदी है तो थोड़ा सा मदद कर दे रही हूँ क्योंकि भाभी कुछ नहीं कर सकती, हाथ में जो निडिल लगा हुआ है इसलिए। इधर रात को भी मैं कुछ सामान और बाकी था जो मम्मी लेके आई थी तो इसमें जो इस जो प्लोथिन जो है थैली में
सिर्फ साड़ी है, 5 से 6 साड़ी है, सूती का है और जितना शादी में पहनने वाला साड़ी है। तो इसमें लहंगा भी है बच्चा लोगों का। तो यह साड़ी मेरा है, तो इसका ब्लाउज मैं नहीं सी हूँ, एकदम टाइम ही बिल्कुल नहीं था इसलिए मैं सी नहीं पाई हूँ, सिलाई नहीं कर पाई हूँ। तो इसको फिर से तय करके भी रखना है। तो बच्चा लोग को लहंगा है, दोनों भतीजी का है और ये छोटा मोटा सामान है, खान का है और हाथ का है। तो इसको मैं तय करके रख दे रही हूँ क्योंकि बहुत ही रात हो चुका है, 11 बज चुका है और मैं थक चुकी हूँ क्योंकि इधर उधर भागा दौड़ी करने की वजह से।